भोपाल में सिंधी समाज के युवक के साथ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा की गई प्रताड़ना के विरोध में अलवर में सिंधी समाज ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज से जुड़े लोग आज अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचे और भोपाल में सिंधी समाज के युवक के साथ विशेष समुदाय के युवकों द्वारा गले में पट्टा डालकर मारपीट सहित जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज से जुड़े गोविंद ने बताया कि भोपाल में सिंधी समाज के युवक को बंधक बनाकर समुदाय विशेष के 6 लोगों के द्वारा इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया और गले में पट्टा बांधकर उसे घसीटा गया। इस घटना को लेकर सिंधी समाज को गहरा आघात पहुंचा है। अलवर सिंधी समाज इस घटना की घोर निंदा करता है और घटना से जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करता है, जिसको लेकर सिंधी समाज ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आज ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधीश जी को। भोपाल के अंदर हिंदू युवक के साथ जो घटना घटी है अभी 4 रोज पहले, वो बड़ी निंदनीय है। उस नवयुवक को उसके गले में 5 विशेष समुदाय के लोगों ने पट्टा बांध करके जो उसके साथ हरकत करी है और उसको इस्लाम कबूल करने पे उसको बाधित किया है, वो बड़ी मुश्किल से वो युवक छूट के आया। तो हमारा पूरा हिंदू समाज, सिंधी समाज आज उसके विरोध के अंदर राष्ट्रपति के नाम माननीय जिलाधीश महोदय को आज पूरा समाज ज्ञापन देने आया है और इसमें हमारे समाज के अंदर बड़ा रोष है।